हे गाइस, मैं आज आपको बहुत सिंपल होम फेशियल के सारे स्टेप बताऊंगी, जिसमें फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। इसमें मैं रॉ मिल्क का यूज कर रही हूँ। जो मिल्क होता है ये नेचुरली मॉइस्चराइजर का काम करता है और हमारी स्किन को टाइट एंड वेट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा है मेरा स्टीमिंग। स्टीमिंग करना बहुत ज़रूरी, इससे हमारे जो स्किन पोर होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम यदि स्क्रब करते हैं, इससे हमारी जो डेड स्किन होती है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाती है। और जो मेरा थर्ड स्टेप है, इसको मैं करने वाली हूँ स्क्रब। आप स्टीम के बाद स्क्रब करिए, इससे बहुत बेटर रिजल्ट आते हैं। उसके लिए मैंने लिया है कॉफ़ी और प्लस हनी। कॉफ़ी और हनी बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट हैं जो हमारे फेस को मॉइस्चराइजर करता है, और जो कैफी में कैफीन होता है वो हमारे स्किन से डेड स्किन निकालता है और बहुत ही क्लीन करता है। फोर्थ मेरा स्टेप है ये मसाज क्रीम जो बना रही हूँ मैं। इसके लिए मैंने लिया है कर्ड और एलोवेरा जेल। जैसे कि कर्ड का पता है कितना ज़्यादा ये हमारे फेस के लिए यूज़फुल है, और एलोवेरा जेल हमारे फेस को बहुत अंदर से हाइड्रेट करता है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है। और मैं बनाने वाला हूँ फिफ्थ जो मेरा है फेस मास्क। उसके लिए लिया है मैंने बेसन, हनी और लिया है उसमें मैं कॉफ़ी, दूध और लेमन। यदि आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप लेमन का यूज़ ना करें। और ये आप देख सकते हैं, अच्छे से एक मिक्सचर बना के मैं अपने फेस में इसको अप्लाई करूँगी और इसको मैं 20 मिनट तक होल्ड करूँगी। उसके बाद सादे पानी से धो लूँगी। कॉफ़ी में कैफीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो हमारे डैमेज स्किन को रिपेयर करके हेल्दी बनाता है, और ये हमारे स्किन को टाइट करता है, फाइन लाइन्स हटाता है। बेसन हमारे फेस से एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। और जो मेरा सिक्स है उसको मैं कर रही हूँ टोनर। मैंने होममेड टोनर बनाया है कोकम्बर से। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ईजी है। और इसको 10 मिनट छोड़ने के बाद मैं करूँगी इसको, फिर मैं लगाऊँगी मॉइस्चराइजर। और आप कोई भी, आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर, आप मॉइस्चराइजर लगाई और आपका फेस देखना, एक महीने में हम इसको दो बार करेंगे तो आपको बिल्कुल ही पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल भी डोंट वेस्ट योर मनी एंड टाइम। बहुत क्लीन हो गया चेहरा, मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। सो गाइस, आप भी मेरा ये ज़रूर फॉलो करें। ओके, बाय बाय।